साथ निभाना साथिया सीजन 2 में अपने रोल को लेकर देवोलीना भट्टाचार्य ने जाहिर की अपनी एक्साइटमेंट। रूपल पटेल को देखना चाहती हैं देवो सीजन 2 में। कोकी और देवो की इक्वेशन को फिर दर्शकों को दिखाना चाहती हैं देवोलीना। सिद्धार्थ शुक्ला की शो में एंट्री को लेकर देवोलीना ने कही बड़ी बात। क्या कुछ कहा देवोलीना ने, चलिए जानते हैं। 3 साल बाद एक बार फिर देवोलीना भट्टाचार्य जी गोपी बहू के किरदार में दर्शकों को दिखने वाली हैं। जी हां, साथ निभाना साथिया का सीजन 2 जल्द टेलीविजन पर आने वाला है, जिसका प्रोमो भी आउट हो चुका है। वेल, शो के पहले प्रोमो में ही हमें देवोलीना यानी गोपी बहू दिखी, जिसे देखने के बाद फैंस एक्साइटेड हैं शो के एपिसोड्स को देखने के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब देवोलीना से पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है शो का हिस्सा वापस बन, तो उन्होंने कहा, साथिया फैमिली के पास वापस लौटना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि शो जुलाई 2017 में ऑफ एयर हुआ था और 23 जुलाई को मुझे कॉल आया एक बार फिर गोपी बहू के रोल के लिए, और इसी बीच वायरल वीडियो ने एक्साइटमेंट और बढ़ा दी। मुझे खुशी इस बात की है कि मेकर्स ने रिटर्न का सोचा, वो भी ओल्ड कास्ट के साथ। वेल, शो के सीजन 1 में कोकिला बेन यानी रूपल पटेल ने अपनी छाप छोड़ दी थी और दर्शक उन्हें शो के सीजन 2 में भी देखना चाहते हैं। टेली मसाला को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रूपल पटेल ने सीजन 2 को लेकर अपना रिएक्शन दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस वीडियो में। आशीष, बड़े सच्चाई के साथ मैं कहूंगी कि साथिया सीजन 2 के लिए मुझे अप्रोच नहीं किया गया है और इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने अब भी आपसे पहले एक इंटरव्यू दिया तो उस बच्ची ने, वो रिपोर्टर ने मुझे वो प्रोमो दिखाया और तब मैं, क्योंकि मैं तो व्हाट्सएप पे नहीं हूँ नहीं, और अभी मैं ये रिश्ते प्यार की शूटिंग का ये लंच ब्रेक है तो मैं शूट कर रही हूँ सुबह से, तो मैंने अभी वो प्रोमो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोमो, और मैं इससे पहले प्रोमो के बारे में भी नहीं जानती थी। पर दर्शकों से इतना जरूर विनती करूंगी कि जितना प्यार सीजन 1 को दिया है उससे कई गुना ज्यादा प्यार सीजन 2 को दे और दर्शक पसंद करे, और मैं स्टार प्लस और मेकर्स को भी बधाइयां देती हूँ कि वो सीजन 2 के साथ आ रहे हैं, खुशी की बात है। वेल, जब देवो से पूछा गया कि क्या उन्हें पता है कि रूपल पटेल सीजन 2 का हिस्सा नहीं है, तो देवो ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं, लेकिन आई होप वो शो का हिस्सा बने। मुझे लगा था कि वही कोकिला बेन के किरदार को रिपीट करेंगी। कोकी और गोपी के इक्वेशन को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, सो अगर मैं हूँ तो कोकी को भी जरूर होना चाहिए। मैं बहुत सैड हो जाऊंगी अगर वो शो का हिस्सा नहीं रहेंगी तो। क्या सिद्धार्थ शुक्ला सीजन 2 का हिस्सा बन सकते हैं, इस पर देवोलीना ने कहा, कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैंने प्रोमो के लिए शूट किया सो मुझे बाकी टीम मेंबर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वही जब उनसे पूछा गया कि उन्हें बिग बॉस 13 बीच में ही छोड़ना पड़ा था ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, सो अगर मौका मिलेगा तो क्या वो सीजन 14 का हिस्सा बनेंगी, जिस पर देवो ने कहा, मैं शो को कंप्लीट करना चाहती थी बट मुझे हेल्थ इश्यूज की वजह से शो को बीच में छोड़ना पड़ा। मैं वापस शो में जाना चाहूंगी लेकिन इस सीजन नहीं, अभी मेरा पूरा फोकस साथ निभाना साथिया 2 पर है। देवोलीना ने साथ निभाना साथिया में 2012 में एंट्री ली थी। शो में उनसे पहले जिया मानिक गोपी बहू के रोल में थी, देवोलीना ने जिया को रिप्लेस किया था। अब एक्ट्रेस ने 2012 की गोपी बहू के रोल में अपनी फोटो शेयर की है, साथ ही 2020 की गोपी बहू के लुक की भी फोटो शेयर की है। ये दोनों ही उनके गोपी बहू के रोल में फर्स्ट लुक है। फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, गोपी बहू लुक 2012 और 2020। सो व्यूअर्स, आप कितने एक्साइटेड है सीजन 2 के एपिसोड्स को देखने के लिए, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए टेली मसाला।